अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक दोस्त है शफीक, वो मेरी पहले भी वीडियोस में आ चुका है बहुत दफ़ा। और वो मुझे देखे गया है फ़ोन अपना के सामने बैठा हुआ है मेरे, इनफिनिक्स नोट 7, 6 GB 128 GB। वो कहता है कि यार इसकी अनबॉक्सिंग कर, तो हम इसकी अभी करने लगे हैं अनबॉक्सिंग। सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। 6 GB रैम, 128 GB रोम और 6.95 इंच की स्क्रीन, नोच कैमरा। तो इसके आगे मजीद फीचर्स भी देखते हैं। सो वाई दिस वीडियो टिल एंड। और शफीक साहब सामने बैठे हैं, तो शफीक साहब से भी मिली। जी मैं हाँ शफीक, ते मैं लेके आया फोन एंदे वास्ते के तू कर अनबॉक्सिंग। ते तू यूट्यूबर है, ते शायद तेरा कुछ भला मैं कर दिया। ते हुन ए करन दिया वा अनबॉक्सिंग, ते मैं इनू वेख रहा कि यह अनबॉक्सिंग सही भी कर दिया कि नहीं। ते बाहर सी धुप बहुत, ते मैं उत्ते लैके आया तौलिया ताकि धुप की जिहड़ी शिद्दत है वह घट होए थोड़ी जी। ते हुन ए कर रहा अनबॉक्सिंग, ते मैं इनू हुन वेख रहा, तुम भी देखो तो सब्सक्राइब भी करो। यह है फ़ोन इन्फिनिक्स नोट 7 हमारे पास, तो आइए देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। 6 GB रैम, 128 GB रोम, G70 प्रोसेसर, GPS, वाईफाई, 4G, 3G, 2G सपोर्टेड। और सबसे ख़ास बात, 5000 mAh की बड़ी बैटरी और डायमेंशंस। और ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड 10, 6.95 इंच की सी स्क्रीन है। और फ्रंट कैमरा है 16 MP फ्लैश लाइट विद डिस्प्ले फ्लैश लाइट। रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छी है, मगर इससे मज़ीद अच्छी भी हो सकती थी, मगर ये भी अच्छी है, मगर इससे भी अच्छी मज़ीद होने के चांसेस थे। 720x1640, मगर ये 1080 तक भी जा सकते थे, मगर ये नहीं गए। तो ये भी काफ़ी अच्छी है, मगर इससे मज़ीद बेहतर हो सकती थी। रियर कैमरा है 48 MP का, बैक कैमरा +2 MP +2 MP, 3 कैमरे और प्लस सुपर लो लाइट वीडियो कैमरा, 4 कैमरे हैं इसके पीछे, क्वाड कैमरा। और जी ड्यूअल स्पीकर स्टीरियो साउंड, दो स्पीकर हैं, साउंड अच्छा ही आएगा। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सबसे मज़े की बात है, बैक पे नहीं होगा, इसके साइड पे होगा फिंगरप्रिंट। और है साथ इसके अंदर फेस अनलॉक। तो आइए करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स, जो कि पहले ही अनबॉक्स हो चुका है ऑलमोस्ट, हम इसकी सब पार्शल सी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यह है सबसे ऊपर फ़ोन, जो कि इसकी तरतीब के मुताबिक सबसे ऊपर ही होता है। 4 कैमरे हैं इसके बैक पे, और जो कलर है वो काफ़ी कमाल का कलर है। 7 इंच की ऑलमोस्ट इसकी स्क्रीन है। और यह है इसके ऊपर नॉच कैमरा, तो इसका हम अब खोलते हैं लॉक। यह है इसका पूरा फ़ोन का प्रोसेसर जो ऑन हो चुका है अब। जी स्पीड काफ़ी अच्छी है, चेक कर रहे हैं फ़ोन साथ साथ। जी तो स्पीड का मेन चीज़ होती है, स्पीड सही चीज़ें खोल रहा है कि नहीं, सही। अब देखते हैं इसका कैमरा कैसा है। कैमरा अगर अच्छा हुआ तो फिर तो भाई सीन ओके है। बैक कैमरा है, ब्यूटी मोड है, शॉर्ट वीडियो मोड है, सुपर नाइट, एआर शॉट, पैनोरामा, हर चीज़ इसमें दी गई है। और आपको डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं, और एक ये क्लिक पे वीडियो बनाई जा रहा है पता नहीं क्यों। इसके अंदर बैक आप जी ऐसे ब्लर भी कर सकते हैं। ब्यूटी मोड, ऑल कैमरा, वीडियो मोड चेक करते हैं जो कि हमारे काम की। और स्लो मोशन भी है, सबसे पहले था कि इसमें स्लो मोशन दिया गया पहले से टिकटॉकर्स के लिए ख़ास तौर पे। और वीडियो मोड देखते हैं इसका कैसा है। वीडियो इसकी बनेगी 1080p के प्रोसेसर में। और अब देखते हैं इसका फ्रंट कैमरा। या दिस इज़ मी, जिसका फ्रंट कैमरा एवरेज है, बस ठीक है, मगर जो बैक कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बैक कैमरा मैं कहूँगा कि वाकई अच्छा है, वीडियोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है, मगर जो फ्रंट कैमरा है वो इतना दिलकश मुझे नहीं लगा, मगर फिर भी इट्स क्वाइट बेटर। अब देखते हैं बाकी फ़ोन बॉक्स एसेसरीज के, बॉक्स एसेसरीज में और क्या क्या कुछ है। बॉक्स एसेसरीज जिसमें आपको मिलता है एक अदर लोकल प्रोटेक्टर, एक बैक कवर, सिम है मेरी, सिम साथ नहीं मिलती। और इसका बॉक्स खोलेंगे तो बॉक्स में होता है ऑलमोस्ट हैंड फ्री होती है, साथ ये अडोप्टर देखते हैं कि कितने फास्ट चार्जिंग है, ये स्लो चार्जिंग है। यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ कि चार्जिंग फास्ट है या स्लो, तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि चार्जिंग फास्ट है या स्लो, तो ये अब मुझे वेबसाइट से जाकर देखना पड़ेगा। और अगर इसकी एक छोटी सी तार है बस,
और हेमट्री मैं पहले ही यूज़ कर चुका हूँ निकाल के, जो काफ़ी बेहतर है। ये थी आज की वीडियो, बस 10 में से मैं 7 मार्क्स दूंगा, तो क्योंकि जितनी स्पीड इसकी होनी चाहिए थी 6 GB रैम दे रहे हैं मगर उतनी स्पीड इसकी नहीं है, तो 6 GB रैम के मुताबिक मुझे स्लो है फ़ोन, और अभी फ़ोन ऑलमोस्ट सारा ही खाली है, तो जैसा फ़ोन था मैंने वैसे खोल के सारा फ़ोन आपके सामने रख दिया है। तो यही थी वीडियो, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।